लोग हैं और जो जिस तरीके से भाजपा सरकार ने लोगों को प्रताड़ित किया है, तो महमूद पराचा हमारे गरीब और मजलूमों की आवाज़ है, कमज़ोरों की आवाज़ है। तो रामपुर में जो अन्याय हुआ है, जो फर्जी मुकदमे हुए हैं, उनके खिलाफ महमूद पराचा जी इस मैदान में आए हैं और ये पूरे अलायंस को सोचना चाहिए था। देखिए, बसपा अलायंस में नहीं है, लेकिन जो पार्टी अलायंस में थी उन पार्टियों को ये सोचना चाहिए था। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, अगर महमूद पराचा से जिसे अच्छा अगर पूरे भारत में कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट हो, आप 543 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ बिना किसी पद के जनता की लड़ाई लड़ता। भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो जो चाहती है बिल पास कर देती है। लेकिन हमारे महमूद पराचा साहब और हमारी टीम, हम सड़कों पर अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। एडवोकेट महमूद पराचा साहब जो जुल्म के खिलाफ, जुल्म को मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस लड़ाई में आज रामपुर की आवाम उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया है। आप ये देखिए, पराचा जी के आने से पूरी समाजवादी में हड़कंप मच गया। ये है पत्रकार महोदय कि ये लोग नहीं चाहते कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और जो दलितों की, मुसलमानों की, कमजोरों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात करेगा, ये उसे भागीदारी नहीं देना चाहता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये दलितों का और मुसलमानों का शोषण करती है। मुसलमान इनकी सवारी खींचे, इनको राज्यसभा की सीटें दे, इनको विधायक दे, और राज्यसभा में कौन जाएगा? क्या एक भी मुस्लिम इस बार राज्यसभा गया? और उनसे पहले भी रह चुके हैं, उन्होंने खास इस रामपुर के लिए कुछ किया नहीं है। अगर किसी पे जुल्म ज्यादती हुई है तो उन्होंने उस जुल्म ज्यादती का विरोध नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया है। ये रामपुर की सरजमी के जितने भी लोग हैं, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि समाजवादी के दौर में एक चरस बाबा हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा जुल्म ज्यादतियाँ की। देखिए, सपा बहिष्कार कर रही है, वो ऐसा है कि आदम साहब अपने एक कैंडिडेट को चाह रहे हैं कि वो यहाँ से उतरे और अखिलेश साहब चाह रहे हैं कि कोई वहाँ से उतरे। और समाजवादी वाले तो ये समझ लीजिए कि अगर आसिम रजा जैसे भी प्रत्याशी को अपना वोट दे रहे हैं तो वो बेकार दे रहे हैं। के कारण वोटिंग नहीं हुई, लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट जो पूरे देश में जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, EBM के खिलाफ लड़ रहा है, हर एक गरीब मजलूम के साथ खड़ा है, वो यहाँ पर आज चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव का नॉमिनेशन करने के लिए आ रहे हैं और सारी रामपुर की पब्लिक जो है उनके साथ है, उनको सारी पब्लिक का समर्थन है। देखिए, पर्चा जो है पार्टी से किसी ने, हम पर्चा भर रहे हैं, आज नॉमिनेशन है हमारा और हमें जितने भी जो जुल्म के सताए हुए लोग हैं और जो जिस तरीके से भाजपा सरकार ने लोगों को प्रताड़ित किया है, तो महमूद पराचा हमारे गरीब और मजलूमों की आवाज़ है, कमज़ोरों की आवाज़ है। तो रामपुर में जो अन्याय हुआ है, जो फर्जी मुकदमे हुए हैं, उनके खिलाफ महमूद पराचा जी इस मैदान में आए हैं और ये पूरे अलायंस को सोचना चाहिए था। देखिए, बसपा अलायंस में नहीं है, लेकिन जो पार्टी अलायंस में थी उन पार्टियों को ये सोचना चाहिए था। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, अगर महमूद पराचा से जिसे अच्छा अगर पूरे भारत में कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट हो, आप 543 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ बिना किसी पद के जनता की लड़ाई लड़ता है सड़क से लेकर। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो जो चाहती है बिल पास कर देती है। लेकिन हमारे महमूद पराचा साहब और हमारी टीम, हम सड़कों पर अपना बहुमत साबित करेंगे। देखिए, ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, ये अशफाक उल्ला खान की धरती है, ये सुखदेव भगत सिंह की, राजगुरु की धरती है। तो हम इस देश को ना झुकने देंगे ना मिटने देंगे। हम संघर्षों के आदि हैं, हम अंबेडकरवादी हैं और हमारे जो सरपरस्त हैं एडवोकेट महमूद पराचा साहब जो जुल्म के खिलाफ, जुल्म को मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस लड़ाई में आज रामपुर की आवाम उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया है। और इंशाल्लाह आने वाले समय में जो ये चुनाव होगा, ये दिलचस्प चुनाव होगा। आप ये देखिए, पराचा जी के आने से पूरी समाजवादी में हड़कंप मच गया। आप ये बताइए, एक तरीके से आज आपने सुना कि किसी राजनीतिक पार्टी ने, जो स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी हो, उसकी पूरी जिला कार्यकारिणी एक तरीके से चुनाव का बहिष्कार कर देती है। ठीक है, चुनाव का बहिष्कार किया, चलो आप ये बताइए क्या वजह मान रहे हैं? नहीं, वजह एक बात सुन लीजिए, वजह यह है पत्रकार महोदय कि ये लोग नहीं चाहते कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और जो दलितों की, मुसलमानों की, कमजोरों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात करेगा, ये उसे भागीदारी नहीं देना चाहते। आपने देखा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद ने 2022 का चुनाव हो या खतौली का उपचुनाव हो, किस तरीके से जी जान लगाकर उन्होंने गठबंधन को जिताया था। आज चंद्रशेखर के खिलाफ एक सीट नहीं दी उनको, नगीना से 3 महीने से मेहनत कर रहे थे। तो ये साफ दर्शाता है
कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये दलितों का और मुसलमानों का शोषण करती है। मुसलमान इनकी सवारी खींचे, इनको राज्यसभा की सीटें दे, इनको विधायक दे, और राज्यसभा में कौन जाएगा? क्या एक भी मुस्लिम इस बार राज्यसभा गया? एक बार बताइए, मुजफ्फरनगर की सीट हरिंदर मलिक जी को दे दी, वहाँ पे कादिर राणा थे, उनकी राजनीति को ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। एक बार बताइए, मेरठ हापुड़ लोकसभा मुस्लिम बाहुल सीट है, जहाँ 52% मुस्लिम वोट है, वहाँ अब एक बार बताइए, आप चंद्रशेखर जी को एक सीट नहीं दे सकते, महमूद पराचा जी के लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते। जो लोग सदन में बिल पास करते हैं, लेकिन पराचा जी जैसे लोग और चंद्रशेखर जी जैसे लोग सड़कों पर अपना बहुमत साबित करते हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। एक बार बताइए, भदोही की सीट तृणमूल कांग्रेस को दे दी, टीएमसी का क्या वजूद है उत्तर प्रदेश में? टीएमसी को सीट दे दी भदोही की सीट, लेकिन आप चंद्रशेखर आज़ाद को एक सीट नहीं दे सकते। तो देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मुस्लिम राजनीति को ख़त्म किया जा रहा है, मुस्लिम राजनीति पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। और ये देखिए, अब देश के दलितों को मैं एक बात कहूँगा आपके चैनल के बाद, देश के दलितों को बड़े जहन से सोचना होगा, अगर ये संविधान ना होता जो आपको आरक्षण मिला हुआ है, जो आप विधायक और एमपी बने हुए बैठे हो, तो एक भाजपा के नेता ने नारा दिया था कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। संविधान ख़त्म करने की बात हुई, और आप एक तरफ देखिए देश किस दिशा में जा रहा है। एक बार बताइए, देश कब आज़ाद हुआ था? मोदी जी नहीं, पहले सर 400 पार पे पाऊंगा, ये बताइए देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में जो कंगना रनावत है, भाजपा ने मंडी से टिकट दिया है बीजेपी ने उसको, वो कहती है कि देश में संपूर्ण आज़ादी 2014 के बाद आई है, 1947 से तो भीख मिली थी। तो कैसे सामना करेंगे? तो ये मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक तरफ भाजपा कहती है हम राष्ट्रवादी हैं, हम पक्के देशभक्त हैं, तो एक बार बताइए, जिसने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां और उधम सिंह, ना जाने कितने शहीद देशभक्तों की जो फांसियाँ थी, उनकी कुर्बानियाँ थी, उनको बदनाम किया, और ऐसी जो भाजपा देशभक्त होने का दावा करती है, उन्होंने कंगना रनावत को टिकट देकर ये उन वीर शहीदों का अपमान किया है। ये देश की आवाम को सोचना होगा कि देश में राजनीति धर्म के आधार पर होगी या काम के आधार पर होगी। महमूद पराचा जी जो रामपुर में आए हैं, उनका इस्तकबाल हुआ है, और हम कुछ ही देर के बाद नॉमिनेशन करेंगे। पराचा जी जो अपनी फॉर्मेलिटी है वह पूरी कर रहे हैं, और रामपुर की आवाम एक ऐसी आवाज़ को संसद में भेजेगी जो ना किसी से डरता है ना झुकता है। आप भी देखते होंगे, आजम खां का वोट बैंक माना जाता है यहाँ पर। देखिए, आजम खां का वोट बैंक माना जाता है। देखिए, वो कहते हैं कि चले गए जमाने कोसों दूर। देखिए, राजनीति किसी के बाप के घर की विरासत नहीं है, राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं है। देखिए, एक ज़माने में इंदिरा होता था, एक ज़माने में राजीव होता था, एक ज़माने में अटल होता था, एक ज़माने में माया होता था, मुलायम होता था, आज योगी मोदी। तो देखिए, बात सुनिए, जिस तरीके से राजनीति किसी के घर की नहीं है, तो जनता जिसे अपना चुनेगी। देखिए, आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने जो एक जेल से चिट्ठी लिखी है उसमें अपना दर्द बयां किया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, हम ये चाहेंगे गठबंधन में अगर महमूद पराचा जी जैसा कोई कैंडिडेट पूरी देश में अगर कोई हो, तो हम इस चुनाव से पीछे हट जाएंगे। महमूद पराचा जी देश की मजबूत और बेबाक आवाज़ है। हाँ, देखिए, ना उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, हर प्रत्याशी ये जीतने की उम्मीद से ही पर्चा भरता है, और हमें उम्मीद है कि महमूद पराचा साहब हमारे बीच आएँ तो रामपुर की आवाम उन्हें खुश करके ही भेजेगी। हमारे बीच में जो पहले से मौजूदा सांसद हैं और उनसे पहले भी रह चुके हैं, उन्होंने ख़ास इस रामपुर के लिए कुछ किया नहीं है। अगर किसी पर ज़ुल्म ज़्यादती हुई है तो उन्होंने कुछ ज़ुल्म ज़्यादती का विरोध नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया है। अब ये रामपुर की सरजमी के जितने भी लोग हैं, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि समाजवादी के दौर में एक चरस बाबा हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा जुल्म ज़्यादतियाँ की, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो हमारी सपोर्ट कर सकता था, रामपुर की आवाम के हक़ में बोल सकता था। लेकिन हाँ, वक्त बदलेगा ज़रूर इंशाल्लाह, और उम्मीद है महमूद पराचा साहब को रामपुर की आवाम अच्छे वोटों से यहाँ से इंशाल्लाह विजय बनाकर भेजेगी, और वो हमारी आवाज़ दिल्ली की संसद के अंदर उठाएंगे। उम्मीद है कि रामपुर के अंदर भारी मतों से वो विजय होंगे। सपा पहले बहिष्कार कर रही थी चुनाव का, क्या वजह? देखिए, सपा बहिष्कार कर रही है वो ऐसा है कि आदम साहब अपने एक कैंडिडेट को चाह रहे हैं कि वो यहाँ से उतरे, और अखिलेश साहब चाह रहे हैं कि कोई वहाँ से उतरे। अब रामपुर के अंदर जिसे आदम खान साहब चाह रहे हैं, तो उसका तो सामने से हम भी बहिष्कार करते हैं, क्योंकि उस इंसान को गाँव के लोगों के कपड़ों में से बदबू आती है, और हम उसका नाम लेना चाहते हैं। आसिम रजा का बहिष्कार रामपुर की जनता को करना चाहिए, और हो सके तो आने वाली नस्लों से भी कहना चाहिए कि आसिम रजा जैसे प्रत्याशी का चुनाव में बहिष्कार होना चाहिए। क्या इससे
मुस्लिम वोट बटने की उम्मीद है क्या? देखिए, होगा फायदा होगा जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है? देखिए, रामपुर के अंदर मैं मानता हूँ कि उत्तर जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम आबादी है तो वो रामपुर के अंदर पाई जाती है। हाँ, ये ध्रुवीकरण ज़रूर होगा मुसलमानों के वोट का, लेकिन वो जो मुसलमान समझदार हैं अगर चाहेंगे तो मैं समझता हूँ महमूद प्राचा जैसी शख्सियत को, जो हमारे हुकूक, हमारे हक की आवाज़ दिल्ली की हाई कोर्ट, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में उठाता है, उस बंदे को अगर वोट करेंगे तो उम्मीद है कि आने वाला कल हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। जनता का कैसा समर्थन हो रहा है, जनता कैसे? देखिए, हमारी खुशनसीबी है कि इस रामपुर के अंदर प्रत्याशी बहुत उतरे हैं और सबसे काबिल प्रत्याशी अगर है तो महमूद प्राचा जी हैं जो हमारे बीच आए। तो मैं यही कहूँगा कि रामपुर वाले एक बार मौका इस अजीम शान शख्सियत को यहाँ से नवाज के दे। जैसे पहले एमपी हमारे सबसे काबिल थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, जो यहाँ के पहले एमपी थे, मैं समझता हूँ उसके बाद जो सबसे ज़्यादा काबिल प्रत्याशी उतरा तो वो महमूद प्राचा है। सपा पार्टी जो है पहले चुनाव का बहिष्कार कर रही थी, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, सपा पार्टी इसलिए बहिष्कार कर रही थी, कोई भी मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अभी देखा जो रामपुर में पिछली बार चुनाव हुए, प्रशासन की जो है, प्रशासन ने कितनी यहाँ धांधलेबाजी की, सरकार ने कितने यहाँ पर दबाव बनाया और वोट नहीं पड़ने दिया। सिर्फ 29% वोटिंग यहाँ पर हुई, जो कि यहाँ यूपी में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती थी रामपुर में, 70% के करीब वोटिंग, लेकिन खाली दबाव के कारण वोटिंग नहीं हुई। लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट जो पूरे देश में जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, ईवीएम के खिलाफ लड़ रहा है, हर एक गरीब मजलूम के साथ खड़ा है, वो यहाँ पर आज चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव का नॉमिनेशन करने के लिए आ रहे हैं और सारी रामपुर की पब्लिक जो है उनके साथ है, उनके सारी पब्लिक का समर्थन है। हम रात उनके साथ थे और पब्लिक जो है पूरी रामपुर के रात फोन आए कि आप आइए और हम आपका स्वागत करते हैं। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता का समर्थन इन मुद्दों पर है, एक तो ये कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, क्योंकि यहाँ जनता जो है रामपुर में जो भी ज़्यादा जितनी जिसकी जाति होगी उसी को ज़्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए। और दूसरा मुद्दा यह, ईवीएम की लड़ाई इन्होंने पूरे देश में उठाई है और सबसे ज़्यादा अगर रामपुर अगर शिकार अगर कोई हुआ है ईवीएम का और चुनावी धांधलेबाजी का, तो वो रामपुर शिकार हुआ है, क्योंकि सारे तरह के दबाव अगर कहीं बनाए जाते हैं, आपने देखा उपचुनाव हुआ, चार बार उपचुनाव हुए, एमपी का उपचुनाव हुआ, विधायकी का उपचुनाव हुआ, सब में दबाव बनाकर दूसरे आदमी को, एक आदमी को उतारकर दूसरे आदमी को बैठाया खाली दबाव के कारण। तो सिर्फ उस आदमी को पब्लिक ने बैठाया है जो सारे दर्दों का इलाज है, क्योंकि हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जुल्म पुलिस कर रही है, तो पुलिस का अगर कोई इलाज अगर करना जानता है तो महमूद प्राचा साहब हैं, जो पूरे देश में अगर कोई पुलिस वाला कोई गलत अगर काम करता है तो उसका इलाज अगर कोई करता है महमूद प्राचा साहब करते हैं। कितनी उम्मीद लग रही है? देखिए, 100% उम्मीद है, क्योंकि पब्लिक उनके साथ है। अरे, कहीं भी अगर जुल्म अगर होएगा और कोई मिटाने अगर आएगा तो पब्लिक उसके साथ होगी, और महमूद प्राचा जी का साफ बिल्कुल पैगाम है, जिसको इस शेर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ना सुबह आखिरी है ना ही शाम आखिरी है, ना सुबह आखिरी है ना ही शाम आखिरी है, जुल्म का जहाँ वो निज़ाम आखिरी है। तो ये रामपुर का जो निज़ाम है, जो जुल्म का निज़ाम है, वो ख़त्म होगा, जो ये अंधेरा था, अंधेरों को छटकर एक उजाले की किरण आई है रामपुर के लिए, और रामपुर के लोग इससे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आजम खान का जो है वोट बैंक है यहाँ पर, क्या उसको अपनी तरफ कर पाएंगे? देखिए, आजम खान साहब का वोट बैंक है उनकी तरफ होगा, क्योंकि हम आजम खान साहब के लिए भी लड़ेंगे, जिसके खिलाफ जुल्म होगा, चाहे वो नेता हो या आम आदमी हो, हर किसी के साथ लड़ा जाएगा। तो जिसके साथ अच्छा होगा, कोई आदमी ऐसा नहीं है एहसान फरामोशी करे, आदमी के साथ जिसके किसी के साथ अगर अच्छा हम करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा। पहले सपा ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया था, क्या वजह मान रहे? देखिए, वजह उसकी है, उनको कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो यहाँ के प्रशासन से लड़ सके, जो यहाँ जो है सरकार धांधलेबाजी करती है उससे लड़ सके। तो अब जो है कोई, इसलिए जब कैंडिडेट नहीं मिला तो वो बहिष्कार करने की सोच रहे थे, उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया था कि यहाँ पर हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ कोई ढंग का नहीं था।